बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण करें। व्रत कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव ने उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है और जिसके भाग्य में जो है उसे वह भुगतना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। यहाँ भी यज्ञ कराओ, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार ने उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने उसे अपनी पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र देख उसके मन में विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात न्यायसंगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इस रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कष्ट तो दूर करो। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, लेकिन भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्ति करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे।
परंतु अपने बेटे को जीवित देखकर वो बेहद प्रसन्न थे। उस रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और समस्त